हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक मोबाइल बैंकिंग में जो बेनिफिशियरी ऐड किया जाता है उसको कैसे हम डिलीट कर सकते हैं। यानी कि जो भी आपने कोई बैंक अकाउंट ऐड किया है उसमें रुपये ट्रांसफ़र करने के लिए, और आपने रुपये ट्रांसफ़र कर दिया और उसको अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो उसे आप कैसे डिलीट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दिखाने वाला हूं कि बेनिफिशियरी कैसे डिलीट किया जाता है प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक के मोबाइल बैंकिंग में। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जानकारी अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को एक लाइक जरूर करना। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मोबाइल के स्क्रीन पर आ गए हैं तो हमें क्या करना है, यहाँ पर आना है और हमें अपना जो प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक का मोबाइल बैंकिंग का ऐप है उसको हम यहां से ओपन करेंगे। तो ये ऐप जो हमारा है अभी ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद में यहां पे आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के इसको आपको लॉगिन करना है। तो यहां पे सबसे पहले हम इसको लॉगिन कर लेते हैं, उसके बाद का जो प्रोसेस है कैसे बेनिफिशियरी डिलीट किया जाता है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम साइन इन के ऑप्शन पर ओके करेंगे। यहाँ पे हमारा जो प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक का मोबाइल बैंकिंग है ये ओपन हो चुका है। तो हमें बेनिफिशियरी जो हमें डिलीट करना है, जो हम अकाउंट ऐड करते हैं पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए, उसको हम कैसे डिलीट कर सकते हैं, तो आपको माई पेस के ऑप्शन पे आ जाना है यहाँ पे। तो जहाँ पे हम इसको यहाँ पे हम डायरेक्ट ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद में जितने भी अकाउंट आपने अपने इसमें ऐड कर रखा है जिसमें आपने पैसा ट्रांसफ़र किया है सारे अकाउंट आपको शो हो जाएंगे। तो उसको क्या करना है, उसी अकाउंट पे किसी जो भी अकाउंट आपको डिलीट करना है अपने मोबाइल बैंकिंग से प्रथमा यूपी ग्रामीण के, तो उस पर आपको डायरेक्टली यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपको सीधा उसी पे आपको ओके कर देना है। जैसे हमें ये अकाउंट यहाँ पे डिलीट करना है तो इस पर हम क्या करेंगे, ओके करेंगे। अब ओके करने के बाद में हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा डिलीट का। तो अभी ये थोड़ा इसका जो मोबाइल बैंकिंग थोड़ा स्लो चलता रहता है, लेकिन चलता है, अच्छा चलता है, कोई दिक्कत नहीं होती। पैसा वगैरह आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ती है। तो आपको यहाँ पे डिलीट पे के ऑप्शन पे आपको ओके करना है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, डिलीट पे। अब यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि आप डिलीट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, यस के ऑप्शन पर हम यहाँ पर ओके कर देंगे। अब ये हमारा जो है अभी डिलीट हो जाएगा। तो नीचे हमें आना है और अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालना है। जो ट्रांजैक्शन पासवर्ड आप रुपए ट्रांसफ़र करते वक्त डालते हैं वो ट्रांजैक्शन पासवर्ड डाल के और यहाँ पे कंफर्म के ऑप्शन पे आपको ओके कर देना है। तो आपका जो बेनिफिशियरी है, ये जो अकाउंट आपने ऐड कर रखा है मोबाइल बैंकिंग में, ये आपका डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम अपना जो ट्रांजैक्शन पासवर्ड डाल के और इसको हम डिलीट करते हैं। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बेनिफिशियरी डिलीटेड डिटेल आर डिलीटेड सक्सेसफुली, यानी जो भी हमने इसको डिलीट किया है इस अकाउंट को, तो यहाँ पे अकाउंट हमारा डिलीट हो चुका है। और अब हमें क्या करना है, हमें ओके कर देना है। तो हमारा ये जो बेनिफिशियरी था डिलीट हो गया है। अगर आप और कोई डिलीट करना चाहते हो तो आपको जो अकाउंट आपने ऐड कर रखा है सारा अकाउंट आपको शो कर जाएगा, उसी पर आपको ओके करना है, वो आप डिलीट कर सकते हैं। तो आईएसओ की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के बाद, तब तक के लिए बहुत बहुत